जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हम अपने YouTube चैनल GS Study Pro में। दोस्तों, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही वीडियो बनाया था कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 यानी JSSC CGT का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए शॉर्टलिस्टेड करके कुल लगभग 500 यानी 494 कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टेड जारी कर दिया गया था। और डेट रखा गया है दोस्तों 11 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में दो पाली में चाय बागान रांची में जो इसका JSSC का आयोग का कार्यालय है वहाँ पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा इन लोगों का, ठीक है। और उसमें बताया गया था कि एक भीत प्रपत्र होगा और उसमें लेके आपको 1 से लेके 14 तक, ठीक है, आपको उसमें भर के आना है, ठीक है। तो यानी कि प्रमाण पत्रों का जो भी जांच होगा दोस्तों आपको, उसके लिए आपको एक प्रपत्र पहले से भर के लेके जाना है और उस प्रपत्र को JSSC ने अभी जारी किया है, ठीक है। सुबह जिस वक्त यह नोटिस निकाला गया था यानी कल जब इस वक्त ये निकाला गया था उस वक्त यह प्रपत्र जारी नहीं किया गया था, बाद से इसको अलग से सेपरेटली JSSC के द्वारा निकाला गया। तो देख लीजिए, ये प्रपत्र है आपका, इसमें आपको डिटेल्स फिल करना है 1 से लेकर 14 तक, ठीक है, जिसमें बहुत ही नॉमिनल डिटेल है, आप एक बार पढ़िएगा तो समझ जाइएगा। जैसे कि आपका मुख्य परीक्षा का जो रोल नंबर है उसको, फिर पद का नाम जिस विषय में आप हैं उस विषय सहित लिखना है, जिला का नाम लिखना है, प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि कौन सा पाली में हो रहा है, फर्स्ट पाली में कि द्वितीय पाली में, अपना नाम लिखना है हिंदी में, उसके बाद फिर अपना नाम इंग्लिश में लिखना है कैपिटल लेटर में, माता पिता का नाम, पति का नाम यदि लागू होगा तो जन्मतिथि लिख लेना है, और 1/1/2016 को आपको उम्र निकाल लेना है, फिर आपका आरक्षण कोटी लिख लेना है, फिर अगर आपको क्षैतिज आरक्षण की कोटी मिला है तो उसके बाद फिर पत्राचार का पता, और यहाँ पे आपको शैक्षणिक विवरणी भर लेना है अपना, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी है, जैसे कि मैट्रिक कब पास किए हैं, इंटर कब पास किए हैं, उससे रिलेटेड विश्वविद्यालय विषय बोर्ड कौन सा है, सत्र कौन सा था, कितना आप लाएँ, ठीक है, बीएड तक है, उसके बाद फिर अन्य तक है, ठीक है। इसमें से जो जो भी आपका लागू होता है आप सारा चीज़ भरेंगे उसमें से। उसके बाद है कि आवेदित विषय के संबंध में स्नातक परीक्षा का विषय निम्नलिखित विवरण देना होगा आपको, ठीक है, कि कौन सा विषय में आप परीक्षा दिए हैं, स्नातक में विषय कौन सा था और मुख्य विषय में आपको कितना प्राप्तांक मिला है। 13 नंबर में आपको स्थानीय और आरक्षण से रिलेटेड भरना होगा, जिसमें आपको जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले SDO से न्यून पदाधिकारी का पदनाम, निर्गम संख्या, आरक्षण कोटी, हाँ वगैरह वगैरह डिटेल्स, फिर आप स्थानीय प्रमाण पत्र से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स देंगे। याद रहे दोस्तों आप लोगों को कि 31 जनवरी 2013 से 25/4/2017 तक के मध्य आपका जाति प्रमाण पत्र या तो फिर BC1 BC2 सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। उसके बाद स्थानीय प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों आपको 2/6/2016 से 25/4/2017 तक की अवधि का निर्गत होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब 14 नंबर में लिखा गया है कि क्या आप झारखंड सरकार के प्रारंभिक विद्यालय में कभी कार्यरत रहे हैं शिक्षक के तौर पर, अगर हाँ तो डिटेल्स भरना होगा इसमें और नहीं तो नहीं डिटेल्स भरना होगा। अब हाँ है तो सारा डिटेल्स फिर आपको इसमें भरना होगा। उसके बाद ये जो घोषणा है दोस्तों 15 नंबर का, ये आपको वहाँ जाकर ही करना है जांच पदाधिकारी के समक्ष, और वहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश में अपना नाम लिखना है और ये जमा करना है। तो ये फॉर्मेट था दोस्तों, ठीक है, ये फॉर्मेट आप लोग को लेके जाना है। पहले इसको आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, उसके बाद ही आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। यही अभी JSSC के द्वारा अभी निकाला गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे, और जिन लोगों का शॉर्टलिस्टेड में नाम है उसके लिए, उनके लिए यह वीडियो भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कर दें उन सभी दोस्तों के साथ जिनका ये जो इस वैकेंसी से रिलेटेड है और जिनका इस वैकेंसी में जॉब लगने की उम्मीद है। तो इसी तरह से अपडेट आपको JSSC से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड मिलते रहेंगे इस चैनल पे। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर से इसी प्रकार से एक अपडेट के साथ। थैंक यू।